हेलो फाइनेंशियल फाइटर्स, मेरा नाम है लोकेश तिवारी एंड बी फाइनेंशियली फ्री चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए एक और धमाकेदार आईपीओ का वीडियो लेकर के आ गया हूं। और हां, ये आईपीओ और ये वीडियो दोनों आपको वेल्थ क्रिएट करने में, आपकी मनी को ग्रो करने में डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। अगर आपको आईपीओ मार्केट डिटेल में समझना है और पता करना है कि ये पूरा होता क्या है, मुझे थोड़ा बेसिक समझा दो, तो आपको वीडियो का लिंक यहाँ पे भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप डेफिनेटली वो देखिए, इससे आपको पूरा आईपीओ मार्केट समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आईपीओ क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप जेन्युइनली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी मनी को ग्रो करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही अपना खुद का डिसीजन ले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है इससे लेडीज बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगी। नहीं नहीं, मैं नायका की बात नहीं कर रहा हूं, नायका तो सबको पता हो गया है। अब कंपनी का नाम है गो फैशन। यस, बहुत सारी लेडीज इससे रिलेट कर पाएंगी, काफी लोग हो सकता है जो जेंट्स हों वो रिलेट ना कर पाए, आई डोंट नो। बट जो इनकी ब्रांड का नाम है वो है गो कलर्स, और ये जो है बॉटम वेयर में है, लेडीज बॉटम वेयर। हम सब कुछ देखने वाले हैं इस कंपनी के बारे में। सो चलिए अपनी हेडलाइन देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अबाउट द कंपनी, बिजनेस मॉडल इस कंपनी का क्या है, फाउंडिंग टीम और इन्वेस्टर कौन कौन है, क्लाइंट और यूजर बेस इनका कैसा है, फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटर कौन है, रिस्क फैक्टर क्या है, बैलेंस शीट क्या है, आईपीओ डिटेल, ब्रोकरेज हाउस रिकमेंडेशन, एक्स फैक्टर जो कि लास्ट में आने वाला है। और हाँ, मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं या नहीं, विथ रीजन। So, बहुत सारी लेडीज इस लोगो से, इस नाम से परिचित होंगी। तो ये कंपनी 2010 में फाउंड की गई थी। सो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो लेडीज बॉटम वेयर में है। सो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ये बनाते हैं। ये हम गो कलर की वेबसाइट पे आ गए हैं। आप देख सकते हो किस तरह का प्रोडक्ट ये बनाते हैं, चूड़ीदार, लेगीज, एथनिक, प्लाजो, जेगिंग, पैंट्स, ट्राउजर, एथलीजर, बहुत कुछ बनाते हैं। सो आप देख सकते हैं इन्होंने अपना ब्रांडिंग किस तरीके से किया हुआ है। गो फैशन इंडिया लिमिटेड, पायनियर इन ब्रांडेड बॉटम वियर फॉर वुमेन। तो स्पेसिफिकली ये लोग बॉटम वियर में, हर जगह इन्होंने ये चीज क्लियरली मेंशन की हुई है, चाहे वो लेगीज हो, धोती हो, उसके बाद चूड़ीदार हो, सब कुछ ये लेडीज के बॉटम वेयर में ही करते हैं। इन्होंने एक स्पेशल, इन्होंने नीश क्रिएट करने के लिए ट्राई किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ लेडीज के, वो भी बॉटम वेयर पे ही फोकस करेंगे। सो इनके जो स्टोर्स हैं, अगर आप वहां पे जाओगे, इतने डिफरेंट कलर के लेगीज अवेलेबल होते हैं कि मुझे तो ये भी मालूम पड़ा है कि लोग अपने कपड़े, लेडीज स्पेसिफिकली अपने कपड़े वो कलर मैच करने लेके जाते हैं, ग्रीन में ये वाला ग्रीन। मेरे लिए तो यार 4-5-6 कलर से ज्यादा दिखते नहीं है, ब्लैक, व्हाइट, लाल, पीला, नीला, बस यही सब हरा। बट लेडीज के लिए कलर बहुत मैटर करते हैं। सो इस चीज को गो फैशन ने बहुत क्लियरली समझ लिया है। व्हेन आई से गो फैशन, गो कलर सब सेम ही है। तो गो फैशन इनकी कंपनी का नाम है, गो कलर इनके ब्रांड का नाम है। इन्होंने बहुत अच्छे से इस निश को समझा है और इतनी सारी वैरायटी अवेलेबल कराई है कि लेडीज यहाँ पे जरूर एक बार शॉपिंग करने जाती है। काफी फेमस ब्रांड है ये। सो अब हमें कंपनी के बारे में तो मालूम पड़ गया, अब एक बार इनका बिजनेस मॉडल भी देख लेते हैं। बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इनका चेन्नई में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो ये ओन नहीं करते हैं उस यूनिट को, वहां से इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, सिंगल जगह पे ही सब कुछ है, और फिर ये ऑल ओवर इंडिया में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनके 450 से ज्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं, जहां पे आप इनके ब्रांड के कपड़े जाकर के देख सकते हो। इसके अलावा इनके और भी पार्टनरशिप्स हैं, जैसे कि आप शॉपर स्टॉप वगैरह में भी जाओगे तो इनका भी एक कॉर्नर रहता है गो कलर्स का, ये वहां पे आप इनकी लेगीज डेफिनेटली देख सकते हो। और इनका जो अप्रोच है ना, वो इस तरीके का कि एक शहर में ये ज्यादा से ज्यादा आउटलेट खोलना चाहता है, जैसे अपना मैकडी है या फिर KFC है ना, हर कॉर्नर पे मिल जाता है। इनकी भी उसी तरीके की सोच है कि मेरे आउटलेट हर जगह अवेलेबल हो, ताकि किसी को भी बॉटम वेयर की जरूरत पड़े, किसी भी लेडीज को, तो उनको इजिली अवेलेबल हो जाए। और ये अवेलेबल है कहाँ कहाँ पे, रिलायंस ट्रेंड में, सेंट्रल में, अनलिमिटेड में, लाइफस्टाइल में, ग्लोबस, स्पेंसर, हर जगह ये अवेलेबल है। सो आप देख सकते हो कि ये मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के पूरा डिस्ट्रीब्यूटर तक अवेलेबल है ये। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ठीक है लोकेश, मुझे बिजनेस मॉडल समझ में आया, मुझे कुछ फाउंडिंग टीम या इन्वेस्टर्स के बारे में बता सकते हो क्या? सो वो सेगमेंट भी देख लेते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी के जो मेन फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं प्रकाश कुमार सारोगी, ठीक है। और इनका जो एजुकेशन है, AC कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने बीटेक किया हुआ है केमिकल से, और ये चीज़ हम यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। AC कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये रहा केमिकल इंजीनियरिंग, इन्होंने की हुई है 1981 में। इसके अलावा अगर आप इनका एक्सपीरियंस देखोगे तो ये डायरेक्टर रह चुके हैं मेरिडियन अप्रैल लिमिटेड में 89 से 2011 तक, मतलब बहुत लंबा करियर रहा इनका। उसके बाद इन्होंने इमीडिएटली ये गो फैशन चालू किया।
इन्हीं के बेटे गौतम सारौगी, ठीक है, फाउंडर एंड सीईओ गो कलर्स, ये भी जो है इन्होंने लिबा से अपना एजुकेशन किया हुआ है और अब ये इस कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इसके अलावा अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो पीकेएस फैमिली ट्रस्ट का इसमें शेयर जो है वो 28% है, वीकेएस फैमिली 28% एंड देन सिकोया कैपिटल्स, सिकोया इसमें इन्वेस्टर है, उसका 28% का शेयर है। इसके अलावा इंडिया एडवांटेज फंड, उनका भी 12% का शेयर है, डायनेमिक इंडिया फंड इनका 1.1%, तो टोटल 100% हो गया। पीकेएस स्टैंड्स फॉर प्रकाश कुमार सारौगी, उन्हीं की फैमिली है, और ये वीकेएस आई थिंक उनके भाई हैं विनोद कुमार सारौगी। तो आप देख सकते हो कि कंपनी मेनली फैमिली रन है। सो इस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस के मॉडल के बारे में हम स्पेसिफिक यूजर नहीं देखेंगे, हम स्टोर्स देखेंगे कि कितने इनके स्टोर्स अवेलेबल हैं। सो अगर आप यहां पे देखना चाहोगे तो 450 स्टोर्स इनके अवेलेबल हैं जब इन्होंने ये डॉक्यूमेंट फाइल किया हुआ है, उसमें से टीयर 1 सिटी में 38, टीयर 2 में 62 एंड टीयर 3 में 82। सो ये काफी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इनके स्टोर्स, और यहाँ पे कंपैरिजन भी है अलग अलग और कंपनियों के स्टोर्स का, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे ज्यादा स्टोर्स इन्हीं के हैं। सो स्टोर से तो समझ में आता है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट दिख रहे हैं स्पेसिफिकली एटलीस्ट बॉटम वियर में, लेकिन इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है वो भी तो जानने की जरूरत है कि ये इंडस्ट्री बढ़ने वाली है नहीं बढ़ने वाली है, क्या सीन है। क्या आपको पता है कि किसी भी सेगमेंट की ग्रोथ देखने से पहले हमें ये देखना जरूरी होता है कि कंट्री ग्रो करेगी या नहीं ग्रो करेगी, लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो एक नज़र इस डेटा पे जरूर डालते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया का डेटा, जो 2011 में हमारी जो इकोनॉमी थी वो 1 ट्रिलियन डॉलर की थी, ये सब कुछ ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी है, ठीक है, और 2016 तक आते आते 5 सालों में ये डबल हो गई। आपको दिख रहा है यहाँ पे डबल हो गई। आप सोचो पहला 60 साल हमें लगा 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने में, पहले 60 साल लग गए, उसके बाद अगला ट्रिलियन डॉलर आने में सिर्फ 5 साल लगे, डबल होने में सिर्फ और सिर्फ 5 साल लगे। अब यहां से अगर आप देखोगे 2 से 3 बनने में हमें हार्डली तीन साल लगे, और अब हमारा यहां से एस्टिमेशन है कि 2025-26 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे। आप सोचो अगर आज हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर की है, अगले 5 सालों में 5 ट्रिलियन डॉलर बनने की कैपेसिटी रखती है, 66% ग्रोथ इकोनॉमी में है, तो सोचो बिजनेसेस कितने तेज भागेंगे, कितनी रफ्तार होगी उनमें। अगर आपने सही बिजनेस पकड़ के सही टाइम पे इन्वेस्ट किया, आई एम प्रिटी श्योर योर वेल्थ विल ग्रो लाइक क्रेजी। ये अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। Learn investing. क्या आपको पता है दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, which is top 1% लोग, उनकी वेल्थ कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, और हमारी वेल्थ जो कि मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि बस पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं कि सैलरी आ जाए काम चल जाए और उनको लग रहा है कि इससे वेल्थ बन जाएगी, उनकी वेल्थ कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है। आप पिछले 30 साल का डेटा उठा के देखो तो उनकी वेल्थ जो है वो ऐसे डिक्लाइन हो रही है, और ये जो 1% लोग हैं इनकी वेल्थ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसा ग्रो करना है, ऐसे बिजनेसेस को ढूंढना है जो अगले 5 साल में 7 साल में बहुत तेज ग्रो करने वाले हैं, और ऐसे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करके रखना है। दिस इज हाउ दे आर क्रिएटिंग द वेल्थ। और हम क्या कर रहे हैं, हम बस देख रहे हैं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने बैठी हुई है, हमको इसे मिस नहीं करना है। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आपको मिल जाएगा, हो सकता है पैसा डबल भी हो जाए, श्योर शॉर्ट है, बट 15,000 का 30,000 हो जाएगा, इससे लाइफ चेंज नहीं होगी। यू शुड लर्न इन्वेस्टिंग, नहीं तो फिर पेचेक टू पेचेक ही पूरी लाइफ निकल जाएगी। मुझे ये चीज़ आपको बतानी थी कि किस तरीके से टॉप 1% का वेल्थ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है जबकि बॉटम का वेल्थ कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है। अगर आप इस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको इस पर पूरा का पूरा डेटा प्रेजेंट करके वीडियो बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से टॉप 1% कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और क्यों आपको इन्वेस्टिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कपड़ों का मार्केट किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। सो ये जो है ये पहली लाइन 2015 की है, दूसरी 2020 की है, और तीसरी जो है वो 2025 की। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लियर कट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑर्गेनाइज्ड बीएनएम में। उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड ई कॉमर्स में अगर आप देखोगे तो भी यहाँ पे ग्रोथ आने वाली, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी आगे बढ़ने वाला है। तो इस सेक्टर में ग्रोथ तो क्लियरली पॉसिबल है।
जैसे सोचो ना, जॉकी ने अपना खुद एक अंडरवियर सेगमेंट में अपना एक निश बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अगली जॉकी बनेगी, आई डोंट नो। सो कुछ भी फ्यूचर का बहुत बड़ा कमेंट नहीं करते, बट यस, इनके रिजल्ट पे अगर हम कंटिन्यूअसली नजर रखते हैं तो हो सकता है ये ओवर द फ्यूचर आगे बढ़ पाए। एक बार इनका पिछले 5 साल का डेटा देखते हैं कि इनके स्टोर की संख्या आगे किस तरीके से बढ़ रही है। सो जो इनका एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट था, अगर आप देखोगे 2015 में वो 17 था, 2018 में वो 200 हो गया और 2021 तक आते आते वो 450 हो गया। तो आप देख रहे हो 42% के CAGR से ये कंटिन्यूसली अपने स्टोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है, स्टोर्स को आदमी क्यों बढ़ाएगा आगे जब उनका बिजनेस आगे चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बिजनेस में क्लियरली ग्रोथ आ रही है और इन्हें भी पोटेंशियल दिख रहा है। एक चीज और भी समझ लेते हैं फ्यूचर में। देखो, फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी का है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये स्टोर वगैरह तो बढ़ा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ऑनलाइन इनका प्रेजेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो मेरे लिए एक मेजर फैक्टर है। तो आप देख सकते हो 2019 में इनका जो टोटल सेल रहा वेबसाइट से और ऑनलाइन मार्केट से वो 1.26% का ही रहा, और 2020 में तो जाहिर सी बात है कम होना ही था क्योंकि कोविड वगैरह आ गया था, लेकिन 2021 में 5% का हो गया है। तो आप देख सकते हो ऑनलाइन का जो इनका सेल है ना, वो बहुत कम है, 5% बहुत कम होता है। 95% इनका जो रेवेन्यू है वो इनके स्टोर आउटलेट से आ रहा है। तो ये एक थोड़ी सी चिंता वाली बात है, मेरे लिए कंसर्न है। बाकी स्टोर वाइज तो मुझे काफ़ी सही लग रहे हैं। सो बॉटम वियर में हमने देख लिया कि ग्रोथ तो क्लियरली आ रही है, फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री भी अच्छा है, तो इनके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, तो चलिए कॉम्पिटिटर का भी सेगमेंट देख लेते हैं। का जो एक्चुअल कॉम्पिटिटर्स हैं वो रूपा है। रूपा ने हाल ही में सॉफ्ट लाइन लेगीज नाम से चीजें लॉन्च की हैं। लक्स ने लक्स लायरा नाम से बॉटम वियर लॉन्च किया हुआ है। तो ये लोग बॉटम वियर में लीड कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग देखा देखी उनको भी समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन कॉम्पिटिटर के आने से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उल्टा ये इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइज होगी। अभी कैसे अनऑर्गेनाइज्ड है। सो अगर इनके प्रोडक्ट के प्राइसिंग का कंपैरिजन करें, इनकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। आप देख सकते हो एक जो इनके सबसे क्लोजेस्ट आ रहा है वो है ग्लोबल देसी, उसका भी प्राइसिंग थोड़ा इनके हिसाब से है। सो अब आपको इस इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में मालूम पड़ गया, इस कंपनी के कॉम्पिटिटर के बारे में मालूम पड़ गया। अब आ जाते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, विच इज बैलेंस शीट। अब हम आ गए हैं इनकी बैलेंस शीट पे। मैं आपको जो नंबर्स बताने वाला हूँ वो करोड़ में पढ़ के सुनाने वाला हूँ, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ वो मिलियंस में लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा पहले इस पे फोकस करेंगे, इनका जो ये 3 ईयर्स का ये जो डेटा है आप देख सकते हो, ये 2019 का डेटा है, 2020 का डेटा है और ये 2021 का डेटा है। सबसे पहले एसेट का सेगमेंट देख लेते हैं। तो एसेट को अगर हम देखें तो इनमें कंटिन्यूसली ग्रोथ है। इसके अलावा रेवेन्यू में अगर हम देखें, मार्च 2019 में 3000 के करीब रेवेन्यू था, उसके ये आ गया है लगभग 4000 करीब, लेकिन मार्च 2021 तक आते आते ये घट गया है। और जाहिर सी बात है घटेगा ही, क्योंकि ये साल कोविड था। आपको मैंने शुरू में बताया कि इनका ऑनलाइन प्रेजेंस उतना अच्छा नहीं है, जो भी है फिजिकल ही है। तो फिजिकल है तो यार जब लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन होने की वजह से इनके आउटलेट के सेल्स क्लियरली सब गिर गए। इसके अलावा अगर आप देखोगे, इनका मार्च 2019 का जो प्रॉफिट था वो 30 करोड़ का था, और मार्च 2020 का प्रॉफिट 52 करोड़ का था, लेकिन इस साल इनको लॉस हुआ। काफी ऑब्वियस है लॉस होना ही था, क्योंकि जब स्टोर्स ही बंद है तो लॉस होना लाजमी है। इसमें कोई बहुत बड़ा कंसर्न वाली बात तो नहीं है मेरे हिसाब। इसके अलावा आप ये भी देख पा रहे हो कि जून 2021 में जो इनका डेटा है उसमें भी इनको इस क्वार्टर में 18 करोड़ का लॉस ही है। आई थिंक वो रिकवर कर लेंगे। अब आ जाते हैं आईपीओ डिटेल के बारे में कि लोकेश, हाँ बैलेंस शीट भी देख ली, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बस कोविड की वजह से इनको थोड़ा डेंट लगा हुआ है, वो आई थिंक रिकवर हो जाएगा जैसे जैसे इनके स्टोर्स और आगे खुलना शुरू हो गए, जैसे जैसे लॉकडाउन हटता जाएगा। तो अब आते हैं हमारे आईपीओ डिटेल सेगमेंट में। IPO की जो ओपनिंग है वो आज ही हो रही है 17 नवंबर को, क्लोजिंग डेट जो होगा वो 22 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। उसके पहले आपको अप्लाई करना है, अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो 25 नवंबर को आपको पता लग जाएगा, वरना 26 नवंबर को पैसा आपके लिए रिफंड हो जाएगा, और जो शेयर है वो आपके अकाउंट में 29 नवंबर को क्रेडिट हो जाएगा। IPO की लिस्टिंग हो जाएगी 30 नवंबर को, 30 नवंबर को आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके वेल्थ में कितनी ग्रोथ आई है, आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल रहा है। कि इनका जो फेस वैल्यू है वो 10 का रहने वाला, IPO की प्राइसिंग 655 से लेकर के 690 के बीच में होगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 690 पे ही, कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करो, तो मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। लिस्टिंग इनकी BSE NSE दोनों पे हो रही है, और जो इशू साइज है वो 1000 करोड़ का ये लेकर के आ रहे हैं, उसमें से फ्रेश इशू
125 करोड़ का, मतलब ये 125 करोड़ रुपया कंपनी के लिए इस्तेमाल होगा, बचा हुआ पैसा लगभग 912 करोड़ ये ऑफर फॉर सेल है, मतलब ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जाएगा, जो प्रमोटर्स हैं उनके पास जाएगा। सो पैसा तो ये उठा रहे हैं, लेकिन इस पैसे का करने क्या वाले हैं? देखो मैक्सिमम तो ऑफर फॉर सेल है, वो हमको पता लग गया है, बट देखते हैं 125 करोड़ का ये क्या करेंगे। सो जो इशू आईपीओ साइज रहने वाला 1013 करोड़ का है, 125 करोड़ ये फ्रेश इशू कर रहे हैं, 912 करोड़ ये लेके जा रहे हैं अपने घर पे, मतलब इनका खुद का है। सो 125 करोड़ का इस्तेमाल ये जो करने वाले, 120 नए एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोलने वाले हैं ये, बेसिकली थोड़े बहुत इनको नए स्टोर खोलने हैं, इसलिए पैसा उठा रहे हैं हमसे। So, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज वैल्यूएशन की। लोकेश ये मुझे बताओ कि यार इनका प्राइसिंग है, ये पता कैसे करें कि इनकी वैल्यूएशन सही है, नहीं सही है, महंगी है, सस्ती है, क्या है? सो अगर आप देखोगे इनका जो प्राइस है, जो मैक्स प्राइस है 690 का, अगर हम देखें तो इनका जो पी बन रहा है वो 70 का बन रहा है, जो कि मेरे हिसाब से महंगा है, मेरे हिसाब से महंगा है, आई विल बी 100% ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये कोई टेक कंपनी नहीं है जो इतना हाई पी डिमांड कर रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और फ्यूचर में ग्रो होने की पोटेंशियल है। सो वैल्यूएशन का जो ऑनेस्ट व्यू था, मैंने आपको बता दिया कि महंगा है भाई, महंगा लग रहा है क्लियरली। अब आ जाते हैं रिस्क फैक्टर में कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर कंपनी में। सो सबसे पहला रिस्क आपने खुद ही फिगर आउट अब तक कर लिया होगा कि भाई ये ऑनलाइन प्रेजेंस इनका बहुत कम है, अब तक जो भी है सब कुछ ऑफलाइन है। तो अगर कोविड की थर्ड वेव कुछ आती है, आउटलेट बंद होते हैं, तो इनके बिजनेस में क्लियर कट इंपैक्ट दिखेगा। अब आ जाते हैं तीसरे रिस्क फैक्टर पर, जो कि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इन्होंने अपना जो ड्राफ्ट फाइल किया उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि गो कलर्स जो ब्रांड है उसका ट्रेडमार्क अभी तक इनके पास नहीं है। वो इसके लिए फाइट कर रहे हैं कि ये ट्रेडमार्क इन्हें मिल जाए, बट इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि हो सकता है ना भी मिले, तो इनको अपना ब्रांड भी चेंज करना पड़ सकता है या कुछ स्टाइलिंग चेंज करनी पड़ सकती है, कुछ करना पड़ सकता है, बेसिकली उससे भी इनको डेंट लग सकता है इनके इमेज पे, इनके ब्रांड वैल्यू पे, इनके कलर पे, इनके नाम पे। सो अभी तक ट्रेडमार्क इनके पास नहीं है। तो ICICI डायरेक्ट का नो व्यू है, चॉइस ब्रोकिंग सेज की सब्सक्राइब करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, एंजल सेज सब्सक्राइब, मारवाड़ी से सब्सक्राइब, निर्मल से सब्सक्राइब, जियोजित से सब्सक्राइब, नॉर्मली सब लोग सब्सक्राइब करने के लिए पोस्ट कर रहे हैं कि भैया इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए। इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी होने के हिसाब से इट्स अ गुड। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में एक्स फैक्टर, जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक चीजें जिसे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज पॉजिटिव जो इनके लिए ये है कि भाई इन्होंने ना सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक सेगमेंट पकड़ा है और वहां पे अपनी ब्रांड क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। सो वो जो है बहुत अमेजिंग बात है। तो इन्होंने वुमेन बॉटम वेयर को बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ है, कोई इतना जल्दी आके इनको कंपटीशन दे नहीं पाएगा, क्योंकि इन्होंने इतनी कलर वैरायटी अवेलेबल कराई हुई है, किसी को उसको कंपीट करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। नंबर टू, ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट सेक्टर, अगर आप देखोगे लेगीज और ये सब चीज़ें जो है ना, ये अभी तक अनऑर्गेनाइज्ड है, इसमें भी इनका 8% का अगर मार्केट शेयर है तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लमेटिक में जो हमें एक्स फैक्टर में जरूर ध्यान देना चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि गो कलर्स इनका ब्रांड अभी तक ट्रेडमार्क इनके पास नहीं है। नंबर टू, एक ही वेयर हाउस से ये काम कर रहे हैं। नंबर थ्री, फैमिली रन बिजनेस, आपने देखा पिता और बेटे ही मेनली इसके CEO एंड फाउंडर हैं, विच इज़ ओके ऑल्सो। So, ये सारी डिटेल्स मैं आपके लिए लेके आया था। अब आता है लास्ट क्वेश्चन कि क्या मैं अप्लाई करने वाला हूं, तो मैं आपको पहले एक डेटा दिखाना चाहता हूं। सो ये है मिंट की वेबसाइट पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एस गो फैशन आईपीओ जीएमपी विच इज ग्रे मार्केट प्रीमियम इज 560 रुपीज। सो आप सोचो कि जो शेयर का प्राइस है वो 690 रुपीज है, उसके ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है 500 रुपए का, मतलब ऑलमोस्ट डबल होने की कैपेसिटी है इसके पास। इट मींस ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्सपेक्ट्स दैट गो फैशन शेयर वुड लिस्ट एट अराउंड 1250, मतलब ऑलमोस्ट डबल होने की कैपेसिटी है। तो अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा डबल होने की पॉसिबिलिटी है, देखो ग्रे मार्केट प्रीमियम ना किसी चीज की गारंटी नहीं है, बट ये बताता है सेंटीमेंट्स की बाहर क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से आप देख सकते हो कि डबल होने की फुल कैपेसिटी है इसके पास। सो चूंकि इसमें बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अप्लाई। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके वेल्थ को ग्रो करने में। सो अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, उन्हें भी तो बताओ कि आप सिर्फ आईपीओ अप्लाई करके भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। और मैं हमेशा आप तक ऐसी वेल्थ ग्रो करने वाले वीडियो जरूर लेकर के आता रहूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर मैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं तो आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। थैंक यू सो मच।